जिस तरह ये पेपर्स का नामो निशान मिटाया ना, उसी तरह तुम्हारे और रवि के रिश्ते का भी नामो निशान मिटा दूंगी, समझी तुम? सही कहा था, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, अकेले शेर नहीं हो। कावे के इंटेलिजेंस से बच गए असली पेपर्स, प्रतीक्षा की मेहनत हुई बेकार। कल टीवी शो धर्मपत्नी के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे कावे के सामने प्रतीक्षा लाइटर से पेपर्स को जला देती है। रवि और प्रतीक्षा की माँ अपसेट है क्योंकि प्रतीक्षा को घर से बाहर निकालने का प्लान एक बार फिर से फ्लॉप हो चुका है। वहीं रवि प्रतीक्षा की बहादुरी की तारीफ कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच काव्या अभी भी चुप है। और काव्या चुप इसीलिए है क्योंकि असली पेपर्स वो थे ही नहीं जिसे प्रतीक्षा ने जलाए है। काव्य को ये आइडिया तो पहले से ही था कि अगर प्रतीक्षा को पेपर्स के बारे में पता चलेगा तो प्रतीक्षा पेपर्स को बर्बाद करने की कोशिश जरूर करेगी, और जैसा काव्य ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। पेपर्स के जलने के बाद काव्य सबको बताएगी कि असली पेपर्स काव्य के रूम के लॉकर में है। वो जिस तरह से काव्य पेपर्स को सेव करके रखी है, वहाँ से पेपर्स बाहर निकालना और फिर उसे बर्बाद करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है प्रतीक्षा के लिए। अब इस बार पेपर को बर्बाद करने के लिए प्रतीक्षा की बहादुरी के साथ साथ जरूरत पड़ेगी प्रतीक्षा के इंटेलिजेंस की। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किस तरह से प्रतीक्षा असली पेपर को डिस्ट्रॉय करेगी। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।